अगर दोष देखना है तो अपने दोष देखे, और अपने दोष देखे उस समय ध्यान रखे कि मुझ में दोष है, ऐसा न सोचे जैसे दूसरे के दोष देखता है ऐसे अपने शरीर के दोष देखे। ये आम आदमी के लिए बात नहीं है, ये उत्तम प्रकार के जिज्ञासु के लिए तत्व ज्ञान की बात है। ये तालियां बजाते हो ठीक है, लेकिन एक दिन तुम्हारी ऐसी स्थिति हो तब तो मजा और आएगा। किसी के दोषों को न देखे, अगर दोष देखना है तो अपने दोष देखे, और अपने दोष देखे उस समय ध्यान रखे कि मुझ में दोष है, ऐसा न सोचे जैसे दूसरे के दोष देखता है ऐसे अपने शरीर के दोष देखे, मन के दोष देखे। गलती क्या होती है कि शरीर के दोष मन के दोष हम अपने दोष मान लेते हैं, इसलिए हम दोष निकालने में सफल नहीं होते जल्दी से। शरीर के दोष थे, मन के दोष थे, तो मन के और शरीर के दोष समझ कर निकालोगे। जैसे दूसरे के दोष फटाक से बोल देते, ऐसे ही अगर दोष को देखना है या कहना है तो अपने दोष बोल दो फटाक से। ये भी एक शरीर है। रामतीर्थ में ये बड़ा भारी गुण था, और इस गुण ने आत्मज्ञान का चमत्कार कर दिया। रामतीर्थ एक बार प्रदेश में अमेरिका के किसी बगीचे में बैठे थे, नंगे पैर नंगे सिर, और एक भारत का सन्यासी ऐसे बैठे, वो पहली बार होगा वहाँ। कुछ लोग वहाँ तो शू बूट मोजा पहनते, टोपा हेड बेड ये वो सब कपड़े ठाट माट वाले, शर्ट पैंट ये तो बिल्कुल गेरुए धोती के दो टुकड़े बस। तो रामतीर्थ को देखकर कुछ उछलंग लड़कों ने कहा, रेड मंकी, ब्राउन मंकी, ऐसे करके उनकी मखोल उड़ाए। तो रामतीर्थ भी बोले, यस रेड मंकी ब्राउन मंकी, आई से यू के यस आई अंडरस्टैंड। अरे ये कैसा आदमी है, हम बोलते कि हम तुमको बोल रहे हैं तो बोलता मैं समझता हूँ, और फिर अपने को बोल रहा है कि हाँ रेड मंकी, ही इज रेड मंकी, आई से यू यू आर रेड मंकी, बट राम से नो नो ही इज रेड मंकी, बॉडी इज रेड मंकी, आई एम नॉट रेड मंकी, इज रेड मंकी ब्राउन मंकी। लड़कों को लगा कि सचमुच में महामंकी है, उन्होंने खूब मजाक उड़ाए, और जो लड़के मजाक उड़ाते रामतीर्थ त्यों खुश होते कि वाह आई एम वेरी हैप्पी, इज रेड मंकी यू आर हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी, इज रेड मंकी वाइट ब्राउन मंकी। तो लड़कों को और आश्चर्य हुआ कि ये बोलता मैं भी खुश हूँ तुम भी खुश हो, ये है। अब उन मूर्खों को तत्व ज्ञान की बात का पता नहीं, उनको तो और मजा आए। किसी समझदार आदमी ने देखा कि कोई भारत का फिरस्ता है, कोई ईसा मसीह है, मूर्ख लोग इनको नहीं पहचानते। उन मूर्ख छोरों से रामतीर्थ को अलग करवा के एक्सक्यूज मी करके रामतीर्थ को रवाना किया। रामतीर्थ बड़े खुश बहुत मस्ती में जहाँ ठहरे थे वहाँ पहुँचे, तो उन लोगों ने पूछा जिनके भी रामतीर्थ में गेस्ट हुए थे, अतिथियों के रहे थे, तो आज तुम बड़े खुश हो रहे हो। बोले आज इसकी रेड मंकी करके इस रामतीर्थ की बड़ी मजाक उड़ाई लोगों ने, उन्होंने भी मजा लिया, मैंने भी मजा लिया। तो घर वाले कहने लगे कि रामतीर्थ यू आर रामतीर्थ, नो नो आई एम नॉट रामतीर्थ, आई एम सॉल, आई एम गॉड ऑफ गॉड, मैं तो भगवान का भी भगवान हूँ, भगवान जिस परब्रह्म परमात्मा से सत्ता स्मृति लाते बहुत चैतन्य ब्रह्म में हूँ, सो हम रामतीर्थ बॉडी का नाम है, और इस बॉडी की मजाक उन्होंने उड़ाई और मैंने भी उड़ाई, उन्होंने भी मजा लिया मैंने भी मजा लिया, तो मजा लिया। ये तालियां बजाते हो ठीक है, लेकिन एक दिन तुम्हारी ऐसी स्थिति हो तब तो मजा और आएगा। ऐसे एक संत हो गए रंग अवधूत जी, अभी 1960 के आसपास उन्होंने शरीर त्यागा,
नहीं 60 के बाद, मतलब 65 के भी बाद शरीर त्यागा। पक्का सन मुझे पता नहीं, मैं उनसे मिला था शायद 15-20 साल हुए होंगे या 25, मेरे को पक्का स्मृति नहीं। रंगवदूत महाराज उनका नाम था, नारेश्वर में उनका आश्रम है नर्मदा किनारे। तो अहमदाबाद में वो पहले शिक्षक का सेवा करते थे, शिक्षक थे, एमए पढ़े थे। रंग लग गया, बात समझ में आ गई। सुबह वो जल्दी उठते थे, शिक्षक की काम नौकरी करते थे, तभी भी वो अपना साधना खूब करते थे। बात समझ में आ गई कि शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, ये सब बदलते, मैं तो नहीं बदलता, मैं तो वही हूँ चैतन्य आनंद स्वरूप। तो अपने को गुण दोष से अपने को पृथक उन्होंने जान लिया, गुरु की कृपा से। शांतानंद उनके गुरुदेव थे। तो एक दिन वो पालड़ी साइड से कहीं से पसार हो रहे थे, दोपहर का समय था। तो एक ऐसे कोई छाबड़ी जैसी थी, कोई टोपा ऐसा था, बड़ी छाबड़ी जैसी होती है ना टोपा, अंग्रेज लोग पहनते हैं कभी कभी, वैसे पत्तों की बुनी हुई छाबड़ी जैसी हेड पहना। तो इनको दाढ़ी हो गई थी और बड़े बड़े बाल और ऊपर पैरा हेड। तो कॉलेज के लड़कों ने देख लिया कि ओ हो, नाटकनी बाईड़ी, नाटक की औरत, वो नाटक की औरत। तो रंग दुबजी में नाचने लगे कि हो नाटक की बाईड़ी, नाटक की औरत। बोले बाबा हम तुमको बोलते हैं। बोले नहीं, तुम इसको बोलते हो। इसको बोले, इसको अपने शरीर की तरफ हाथ रख के बोले इसको बोलते हो, हाँ तो यही तो तुम हो। बोले नहीं नहीं, ये नाटक की बाईड़ी हो, नाटक की बाईड़ी। बोले महाराज हम तुमको कह रहे हैं, तुमको दुख नहीं होता? बोले हमको दुख क्यों, जिसको कहते वो जड़ है और मेरे तक ये बात पहुंचती नहीं, मैं तो साक्षी चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ, ये तो नाटक की बाईड़ी है, प्रकृति ने नाटक किया और ये प्रकृति की देन है शरीर, ये तो नाटक की बाईड़ी। बोलो बोलो फिर से बोलो। बोले महाराज हम तुमको बोल रहे हैं, ये दाढ़ी, ये बड़े बड़े बाल और ऊपर ये छाबड़ी पहनी, तुम तो नाटक की औरत लगते हो। बोले नहीं नहीं, नाटक की औरत, ये नाटक की औरत। अपने छाती पर हाथ लगा के, ये नाटक की औरत, ये नाटक, अरे ये बोल रहे तुम तो हो। बोले नहीं मैं नहीं, ये नाटक की औरत, नाटक नहीं बाईड़ी हो, दम दमा दम, नाटक नहीं बाईड़ी, दम दमा दम, नाटक नहीं बाईड़ी, दम दमा दम। जिसको समझ आ गई उसको सताने वाले क्या सताएंगे, दुख देने वाले क्या दुख देंगे, अहंकार लाने वाले कहां से उनका अहंकार लाएंगे। जो मन को, बुद्धि को, शरीर को, इंद्रियों को, सबको प्रकृति का समझते हैं और अपने को साक्षी चैतन्य परब्रह्म परमात्मा के रूप में जिन्होंने जान लिया, उनको कौन फंसाएगा, कौन सताएगा। महात्माओं का अपराध करने वाले को तो भुगतना पड़ता है, लेकिन महात्मा को दुख नहीं होता। बाबा जी तुम दुखी नहीं होते? बाबा तुमको दुख नहीं पड़ा कभी? बाबा ने कहा दुख आता है। बाबा तुम सुखी नहीं हुए कभी? बोले नहीं, सुख आता है। तुम सुखी नहीं? बोले ना। तुमको दुख नहीं पड़ा? बोले नहीं, दुख आता है। तुमको सुख नहीं मिला? बोले नहीं, सुख आता है। बोले बाबा मतलब? बोले बेटा ये सुख आता है और जाता है, मैं उससे अलग हूं सदा। नादानी से आज तक समझता था कि मैं सुखी मैं दुखी, लेकिन अब पता चला कि सुख आता है, जो आता है वो जाता है, मैं तो रहता हूं। दुख आता है और जाता है, मैं तो रहता हूं। मन में चिंता आती है और फिर जाती है, मैं तो रहता हूं। बुद्धि में द्वेष आता है, राग आता है और फिर जाता है, मैं तो रहता हूं। ये गुरु की कृपा से समझ में आ गया, तब से तो मेरी आठों पहर आनंद है, सदा समाधि है। सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक। अजमेर में एक आर्य समाजी था, वो बड़ा यज्ञ याग ये वो खूब करता, दूसरों को भी बड़ा उत्साहित करता।
फिर उसको एक कोई संत मिल गए वेदांती, उन्होंने युक्ति बता दी, मंत्र दीक्षा दे दी, अजपा जाप की। वो अधिकारी था, संयमी भी था। महाराज उसको, उस साधक का नाम था पुरसुमल, अजमेर की बात है। तो पुरसुमल को अपने स्वरूप का बोध हो गया, साक्षात्कार हो गया, स्थिति हो गई उसमें गुरु के ज्ञान में। बस ऐसा थोड़े के ज्ञानी हुआ तो कोई सिंग निकलेंगे अथवा दो पैर के बदले चार पैर हो जाएंगे अथवा छू मंत्र करके उड़ जाएगा अथवा हवा पी के रहेगा, है तो जादू कर लेंगे। ज्ञान का फल ये कोई बाहर का धड़का बोले ज्ञानी है, अरे इनको तो बुखार आ गया, ज्ञानी कैसे? तो ज्ञान कोई बुखार मिटाने की दवा थोड़े है। अरे इनको तो भूख लगती है, ज्ञानी कैसे? तो ज्ञानी हुआ तो क्या सीमेंट कंक्रीट हो गया क्या शरीर को? तो पुरसुमल अब वो अब धुआं सूंघने नहीं जाते तो साथ ही उन पर नाराज हो रहे। एक दिन सारे आगेवान थे अपने, उनके जो भी था मंडल, आके कहा कि पुरसुमल तुम जब से वो महाराज के पास आए तब से तुम भ्रष्ट हो गए। जैसे केजी का विद्यार्थी कॉलेज में जाए और फिर केजी वाले जाकर उसको बोले तुम भ्रष्ट हो गए। ये हाल था उनका बिचारों का। अरे कॉलेज में तो क्या, कॉलेज पार करके हूँ निश्चिंत हो गया है, सारी पढ़ाई उसने पढ़ ली। बच्चा 5 साल का है तो केजी में जाता है तो ठीक है, लेकिन 80 साल का बूढ़ा है तभी भी केजी में जा रहा है तो क्या खाक पड़ा? ऐसे ही भगवान का भजन करें, मंदिर में गए, शिव जी को जल चढ़ाया, मस्जिद में गए, बांग पुकारी, चर्च में गए, प्रार्थना की, और ठीक है शुरुआत में, लेकिन सारी जिंदगी वहीं मंडारते रहे तो तुम आगे क्या गए? तुम तो वहीं घूमते रहे। उस मंदिर में या पूजा स्थल में जाने के बाद या चर्च में मस्जिद में जाने के बाद तुम हृदय मंदिर में पहुंचे तो तुम्हारा मंदिर में जाना सफल हुआ, नहीं तो अभी तुम उसी केजी में घूम रहे। तुम केजी से पार होकर कॉलेज में पहुंचे तो तुम्हारा केजी पढ़ना, हाई स्कूल पढ़ना सार्थक हो गया, और हाई स्कूल में ही पढ़े हो सारी जिंदगी तो क्या खा पड़े तुमने, क्या हुआ तुम्हारा? तू उधर को ध्यान नहीं जाता। तो कलयुग का प्रभाव है, विवेक करने से पता चलता है। कलयुग कर्म न धर्म विवेक, राम नाम अवलंबन एक। तो उस पुरसुमल को घेर लिया साथियों ने। अरे बोले तुम भगवान का यज्ञ भगवान का अनादर करते हो। बोले यज्ञ भगवान क्या, सारे भगवान जिससे भगवान है वो ब्रह्म में हो गया हूँ, देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। अब मेरे लिए यज्ञ भगवान अलग नहीं, विष्णु भगवान पराया नहीं, शिव भगवान पराया नहीं, दयानंद पराया नहीं, रामानंद पराया नहीं, सब मुझ चैतन्य का स्वरूप है, मैं वह ब्रह्म हूँ। तो फिर क्या तुम भगवान हो? उसका मतलब क्या सब मैं हूँ? दे तो भगवान बोलते सब मैं हूँ, तो क्या तुम भगवान हो? हाँ बोले जिससे भगवान भगवान है वही ब्रह्म मैं हूँ। तो सारे साथियों ने घेर लिया पुरसुमल, इस वचन पर तुम पक्का रहना तुम ब्रह्म हो? बोले हाँ, सारे भगवान और सारा जगत जिससे है तो वही तुम चेतन ब्रह्म हो? बोले हाँ। तो फिर दूसरों ने युक्ति खोजा, बोले अच्छा तो भगवान ने तो ये सारी सृष्टि बनाई, तुम एक चिड़िया बना के दिखाओ तो हम मानेंगे? भगवान ने तो सारी दुनिया बनाई, सूरज बनाया, चंदा बनाया, तुम एक तारा बना के दिखा दो, एक चिड़िया बना के दिखा दो, चलो एक चींटी बना के दिखा दो। पुरसुमल निश्चिंतता से उनकी बचकानी पर हंसा, बोले कैसे तुम मेरे मित्र हो लेकिन कैसी बेवकूफी की बात करते हो? तुमको अगर बेवकूफ नहीं कहता हूं तो मुझे बेवकूफ कहेंगे ज्ञानी लोग। मैं चिड़िया बना के दिखाऊं या कीड़ी बना के दिखाऊं, तारा बना के? अरे मैं तो ब्रह्म हूं, शुद्ध आत्मा हूं,
अब माया में आया हुआ आत्मा सृष्टि करता है, शरीर में आया हुआ आत्मा शरीर का सब मसाला बनाता है। ये काम तो मैंने मुनिमों को सौंप दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे मुनिम है, वो करते रहते हैं। अपने को जब शुद्ध ब्रह्म मानता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि करता है, अपने को जीव मानता है तो जीव का काम तो ये कर रहे हैं। हकीकत में अपने को जीव माने या ईश्वर माने, इन दोनों मान्यता से मान्यताएं जहाँ से उठती वो तो ब्रह्म है। घड़े का आकाश महाकाश भिन्न भिन्न दिखता है, लेकिन वास्तव में तो परम आकाश ही है। ऐसे तो वास्तव में परम पुरुष दिव्य है, एक ही है, और वो मैं हूँ। मैं ये शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, और वास्तव में तुम भी वही हो। तो जागृत की सृष्टि वो ब्रह्मा विष्णु महेश बनाते और उथल पाथल करते, तो स्वप्ने की सृष्टि तो तुम रोज बनाते हो, पोषते हो और फिर परले भी कर लेते हो। स्वप्ने की सृष्टि तो तुम बनाते हो, उसमें पालन भी करते हो, आँख खोल के संहार भी करते हो। तो जो स्वप्ने की सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, वो चेतन अंतःकरण अविच्छिन्न चैतन्य, और वो माया अवच्छिन्न चैतन्य। वास्तव में गंगू तेली और राजा भोज, राजा अपना लश्कर छोड़ दे, राजा अपना तख्त छोड़ दे और गंगू तेली अपना घड़ा छोड़ दे, मानवता में तो दोनों एक है। ऐसे ही ईश्वर का माया के अधीन रखने का सामर्थ्य और जीव का अविद्या के अधीन होने की बेवकूफ़ी। जीव ने बेवकूफ़ी छोड़ दी और ईश्वर का माया को वश रखने का सामर्थ्य को छोड़ के, बाकी देखो तो जो जीव आत्मा है सो परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि वेद भी कहता है। कुछ सात्विक साथी थे, उनका सिर झुक गया कि भाई तुमने तो गुणातीत अवस्था पा ली, देशातीत, देश से, काल से, गुणों से अतीत जो आत्मा परमात्मा का पद है उसका तुमने अनुभव कर लिया, तुम बड़े भाग। और कुछ नेरो माइंड थे, कर्म कांड की जाल में फंसे हुए, संसार के राग द्वेष में उलझे, अरे यार दिमाग खराब थी, बस छे डिस छोड़ दो, ये तो पागल हो गए। लेकिन उस पुरुष को न पागल कहलाने, किसी ने पालक पागल बोला तो दुख हुआ और किसी ने प्रशंसा की तो सुख हुआ, नहीं, वे तो दोनों को देखने वाले। जैसे सुखदेव जी महाराज आत्मज्ञानी थे, परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए प्रेरित होकर पधार रहे थे, और सुखदेव जी को मूर्ख समझकर मूर्खों ने सुखदेव जी को पागल समझकर कंकड़ पत्थर उछाले, कई माइयाँ कई छोरियाँ छोरे। सुखदेव जी के चित्त में उद्वेग नहीं हुआ, शोभ नहीं हुआ, और वही सुखदेव जी चार कदम आगे गए तो परीक्षित ने उनको सोने के सिंहासन पर बिठाया, अर्घ्यपाद से पूजन किया, और ऋषि मुनि उठ खड़े हुए, यहाँ की वेदव्यासी भी और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी सुखदेव जी का आदर कर रहे। तो सुखदेव जी को अहंकार नहीं होता, क्योंकि देह को मैं मानने से ही दुर्गुण आते हैं, देह को मैं मानने से ही दुर्गुण आते हैं। ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो देह अध्यास से पैदा न हो, और ऐसा कोई सद्गुण नहीं जो आत्मभाव से प्रकट न होता हो। एक कथा ध्यान से सुनेंगे। राजस्थान का एक युवक शादी करके एक दो साल पत्नी के साथ रहा, फिर कमाने के लिए कलकत्ते में कोई काम धंधा मिल जाएगा। थोड़ी पुरानी बात है, बाद में उसकी पत्नी गर्भवती थी, अब खर्चा पानी भी चाहिए, और यहाँ घर में बैठे बैठे तो मेरा भी खर्चा बढ़ रहा है, खेत में से तो जो दाने आते दो आदमी मुश्किल से खाएं, बच्चा भी है, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। वो कलकत्ते गया और उसको अच्छी ऐसी नौकरी आदि मिल गई, धीरे धीरे वो मुनीम हो गया, और ऐसा तो रम गया और सेठ का इतना तो वफादार मुनीम हो गया कि लगभग सेठ के सारे काम, जिम्मेदारियाँ और सिग्नेचर करना उसके हवाले हो गया, मानो वो अपर सेठ हो गया।
उपसेट हो गया, अपर सेट हो गया। वहां बच्चे ने जन्म लिया, एक साल दो साल तीन साल ऐसे करते करते छोरा 16 साल का हो गया। छोरे ने बाप नहीं देखा, बाप ने बेटा नहीं देखा। ये चाहे पुरानी घटना हो चाहे कथित कल्पित कहानी हो, लेकिन सत्य समझना पड़ेगा इसके द्वारा। माँ कहती कि बेटा अब तो तू खेत से लाता भी है, लेकिन तेरे पिता ने मुझे कहा था कि तरक्की करना चाहिए, अब ये दो चार बीघा में तेरी जिंदगी खप जाएगी। तेरे पिता तो कलकत्ता के तरफ गए, अभी तक कोई समाचार नहीं। एक आध बार कोई उड़ती खबर लाया था, बाद में पता नहीं तुम्हारे पिता। तो ऐसे बातें सुनते सुनते एक दिन लड़के ने कमर कसी कि मैं जाता हूँ पिता को खोजने। लड़का चल पड़ा, चलते 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 एक धर्मशाला में ठहरा। गरीबी थी, धर्मशाला वाला ने मकान नहीं दिया, कमरा नहीं दिया, बरामदे में पड़ा रहा। महाराज खांसी हो गई, जुकाम हो गया, सर्दी थी। वहाँ से वो सेठ भी आया मुनीम, वो भी उसी धर्मशाला में ठहरा। उसके तो पैसे थे, बढ़िया कमरा मिला। अब वो छोरा बरामदे में पड़ा है, छोरे को पता नहीं कि मेरा बाप लग्जरी रूम में है, और बाप को पता नहीं कि मेरा छोरा है। खांसता रहा। मध्य रात्रि को मैनेजर को बुलाया कि तुमने कैसे पागलों को धर्मशाला दे रखी, नींद हराम हो गई हमारी, खांसता रहता है, हटाओ उसको। हमने माया कि जाओ, कहाँ से आए रे तू? बोले मैं राजस्थान से आया। अंदर वाला सेठ सुनता, राजस्थान तो मेरी मैं भी तो राजस्थान का हूँ। ये कमबख्त, उसको देखकर ग्लानी हो रही थी, ये राजस्थान का नाम खराब करता है। मैंने भी तो लिखा है कि मैं राजस्थान का हूँ, ये राजस्थान का ऐसा दुष्ट। मुनिम ने पूछा कौन सा गाँव? बोले फलाना गांव। तो उसको भी लगा कि मैं तो उसी गांव का हूं, तो कि तू ऐसा कैसे, निराधार जैसे लगता है। उसने आंसू टपकाते हुए कहा कि क्या करूं, मैं माता के गर्भ में था, मेरा बाप मेरे को छोड़कर माँ के गर्भ में और कलकत्ता की तरफ गया। अंदर वाले का रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। फिर क्या बोलता है, ध्यान से सुना, धीरे से बाहर आया। बोले मेरे पिता कलकत्ता चले गए कमाने को, तो तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम अमुक है। तेरी माँ का नाम क्या? बोले फलन। सेठ को लगा, रे इसकी माँ का नाम और मेरी पत्नी का नाम तो एक ही लग रहा है। बोले तेरे बाप का नाम तो जानता है? बोले हाँ, मेरी माँ ने बताया तेरे बाप का नाम फलाना फलाना है। तो फलाने मेरे पिता हैं, मैं उनको ढूंढने जा रहा हूँ। बस वो जो पिता थे उसको पता चला ये तो मेरा बेटा है। बेटा मैं ही, वो तेरा बाप, बेटा मैं ही कमाने। गले लगा। वो बेटे की बदचाल, बेटे का खांसी, बेटे की कंगालत सब चली गई, क्योंकि बेटे को जब अपना मान लिया तो उसके दोष चले गए। बेटे को जब अपना माना तो उसकी कंगालत नहीं दिखती, अब उसका खेखू नहीं दिखता। जहां अपना तो है वहां दोष दबाते नहीं, और जहां परायत्व है वहां दोष बहुत उभर उभर के दिख रहे हैं। घड़ी भर पहले तो लड़के में सारी गंदगी दिख रही थी, दोष ही दोष दिख रहे थे, लेकिन वो अपना बेटा है। ऐसे ही आत्मज्ञान होगा कि ये सारे जीव अपने हैं, सारी सृष्टि में जो है सब अपना है, तो ज्ञानी किससे ग्लानी करेगा, किससे घृणा करेगा, किससे द्वेष करेगा। तो बोले महाराज ज्ञानी भी तो डांटते हैं। तो राम जी को वशिष्ठ जी डांटते भगवान राम जैसे को कि हे राम ऐसी तुमको दुर्बुद्धि कैसे हुई। वो डांटते लेकिन उसके पीछे प्यार भरा है, करुणा भरी है, कृपा भरी है। ऐसे तो अपने गाल को भी कभी मच्छर काटते तो थप्पड़ मार देते हो। नारायण नारायण नारायण। ईश्वर की कसम के ईश्वर के सिवाय और कुछ भी नहीं है।
लेकिन बेवकूफी से ईश्वर छुप गया और सब दिख रहा है। ईश्वर की कसम, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, लेकिन बेवकूफी से ईश्वर छुप गया और सब दिख रहा है। जैसे जलाशय पर सेवाल जमा हो जाए, जल से बनी सेवाल जल को ढांक देती है, अब सेवाल और उसके जीव जंतु दिख रहे हैं, जल नहीं दिख रहा और सब दिख रहा है। जल ही नहीं दिख रहा है जिसके आधार से वो बनी, जिसके आधार से वो जीव जंतु अंदर फैले हैं, वो आधार स्वरूप जल नहीं दिख रहा है, वो लील दिख रही है, सेवाल दिख रहा है। ऐसे सच्चिदानंद ईश्वर के आधार से ही वो माया बनी और अविद्या माया अविद्या। बोले माया और अविद्या दो कैसे बाबा जी? सत्वगुण की प्रधानता जिसमें होती उसको माया बोलते हैं, और तमोगुण की प्रधानता होती जिस भाग में उसको अविद्या बोलते। तो ईश्वर माया को वश रखते हैं और जीव अविद्या के वश रहता है। ईश्वर का चिंतन करके, ईश्वर के वास्तविक तत्व को पहचान कर माया और अविद्या से पार हो जाए, उसको ब्रह्मवेता संत कहते हैं। राम तीर्थ बोलते थे विदेश में जाकर, जीसस ने भी कहा यू आर किंग ऑफ किंग, तुम राजाओं के भी राजा हो। राम तीर्थ भी बोलते थे तुम राजाओं के राजा हो, ईश्वरों के ईश्वर हो, तुम ब्रह्म हो। राम तीर्थ का अनुभव, राम तीर्थ का आनंद के वेव्स लोगों को इतना झुमा देते कि दिन दिन भीड़ बढ़ती जाती, कई लाचार मोहताज भी आ जाते, उनको भी शांति मिलती, रोग की निवृत्ति का कुछ उपाय मिल जाए, इस भावना से भी आते थे। राम तीर्थ जब प्रवचन करके बाहर आए तो देखा कि हॉल में तो फुल लोग, लेकिन इतने ही बाहर लोग। रामतीर्थ ने कहा इतने सारे लोग आए तो रामतीर्थ को देखकर, उनकी कीर्ति देखकर जलने वाले लोग भी थे बीच में। उन्होंने कहा कि तुम तो अपने को ब्रह्म मानते हो, ईसा मसीह मानते हो, तो इनको ठीक कर दो। ये देखो कोई लूले लंगड़े भी आए। आयोजकों ने कहा कि हमारे स्वामी जी अपने को ईसा मसीह नहीं बोलते, अपने को शुद्ध ब्रह्म बोलते। चमत्कार करने वाला व्यक्ति नहीं, चमत्कार जिससे होते हैं वो आत्मा मैं हूं। तो उस आदमी ने फिर कटाक्ष किया। अंग्रेजों का शासन था तब की बात है, 1898 इन दिनों की बात है। और फिर परदेश में, लेकिन रामतीर्थ का गजब का अनुभव था। रामतीर्थ को उसने कटाक्ष करते हुए कहा कि तुम किंग ऑफ किंग हो, भगवानों का भगवान आत्मा हो, तुम जीसस हो। ऐसे उसने बैंक किए। रामतीर्थ घड़ी भर शांत हो गए। फिर रामतीर्थ ने अपने उस ब्रह्म भाव में आकर कहा मैं जीसस नहीं लेकिन जीसस का बाप हूं। जीसस अपने को भगवान का बेटा मानता था, वो ब्रह्म मैं हूं। और उनकी आत्मिक अनुभूति थी। तब अंग्रेज शासन में और अमेरिका में ऐसी गर्जना का क्या है, तो तुम भले अपने को भगवान का बेटा मानो, लेकिन तुम्हारा विवेक जब पूरा खुलेगा तो न भगवान न भगवान का बेटा, ये दोनों जिससे हैं वही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा एको देव सुदाकेश्वर। जैसे सपने में तुम अपने को भगवान का भक्त मानते हो, सामने भगवान भी दिखते हैं। तुम अपने को पिता का पुत्र मानते हो, सामने पिता भी दिखता है, अपने को पुत्र भी मानते हो, लेकिन जब सपना टूटता है तो लगेगा कि वही चैतन्य पिता भी होकर दिख रहा था और पुत्र होकर दिख रहा था। दिखना माया था, लेकिन जिससे दिख रहा था वो मेरा आत्मा अभी भी है। सो हम ये आम आदमी के लिए बात नहीं है, ये उत्तम प्रकार के जिज्ञासु के लिए तत्व ज्ञान की बात है।
इसको समझने के लिए संयम, विवेक, सदाचार, भक्ति आदि जिनके होते हैं वो इस तत्व ज्ञान को समझकर यहीं परमेश्वर का अनुभव कर लेते हैं। उनका परमेश्वर आकाश पाताल में नहीं, उनका परमेश्वर उन्हीं का आत्मा सोहम स्वरूप उनको पता चल जाता है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्ररूढानि मायया। तो जब दोष दुर्गुण किसी के देखना है तो अपने शरीर, मन और बुद्धि के दोष दुर्गुण देखो और अपने को उनसे पृथक समझकर अपने को निर्दोष नारायण स्वरूप में प्रकट करने के लिए मन, बुद्धि और शरीर के दोष निकालो। दोष निकाले और फिर निर्दोष हो जाए तो निर्दोष होने का अहंकार नहीं और दोषी होने में अपने को गिराओ नहीं तो जल्दी काम बन जाएगा।